खाएंगे दोस्तों बची हुई रोटी से बर्फ़ी। ये बर्फ़ी घर पर आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। चलिए हम बनाते हैं। बची हुई रोटी ले लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। रोटी हमारी ग्राइंड हो गई, चलते हैं गैस की ओर। गैस पे कढ़ाई रखते हैं, घी ऐड करेंगे, पिसी हुई रोटी को भूनेंगे। इसे हमें धीरे धीरे भूनना है। देखो हमारे रोटी के मिक्सर का कलर चेंज हो गया। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। अब हमें इसका सिरप बनाना है। हमने ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम, काजू, किशमिश। अब हम अपने ड्राई फ्रूट को भी ऐड करेंगे, पिसी हुई रोटी को भी ऐड करेंगे। अब हम मिलाते हैं, इसके हम बर्फी बनाएंगे। देखो हमारी बर्फी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसे फैला देते हैं 2 मिनट के लिए, ठंडा हो जाए। फिर हम इसे बर्फी के शेप में काटेंगे। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे सजा देते हैं। अगर दोस्तों हमारी बर्फी आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना हमारी बर्फी कैसे लगी। और आप भी ट्राई कर बताना आपकी बर्फी कैसे बनी। अब हम इसे बर्फी के शेप में काटेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। वाह, कितनी प्यारी हमारी घर में बर्फी बनकर तैयार हो गई। अगर दोस्तों हमारी रेसिपी अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाय दोस्तों, बाय।